नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी में महाराणा प्रताप जयंती पर चल समारोह नगर में निकाला गया। चल समारोह की शुरुआत कालवा स्थान से हुई, जो प्रमुख मार्गों से निकलते हुए जैसे रेलवे स्टेशन चौराहा, बालाई चौराहा, संस्कृत स्कूल चौराहा, टगर मोहल्ला होते हुए रामनगर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जुलूस का समापन किया गया। इस दौरान राजपूत समाज के कई लोग मौजूद रहे। नोनो हॉस्पिटल में शीघ्र 200 किलोवाट का सोलर संयंत्र प्रारंभ होगा। आज इसके अवलोकन है तो हॉस्पिटल के ट्रस्टी आमिर भाई मिठाई वाला और इस्माइल भाई मिठाई वाला मुंबई से आकर इसका निरीक्षण किया। सोलर संयंत्र के आवश्यक सभी उपकरण लग चुके हैं और उन्हें स्थापित करने का कार्य जारी है। इस अवसर पर हॉस्पिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवव्रत मुखर्जी ने बताया कि अस्पताल ग्रामीण क्षेत्र में आशा की किरण बन रहा है, जिसमें विशेषज्ञों, डॉक्टर व समर्पित मेडिकल टीम द्वारा कम दरों पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है, जिससे अनगिनत मरीजों व उनके परिवारों के जीवन को बदल रहा है। इसके अलावा हॉस्पिटल ने सेवाओं में निरंतर विस्तार किया है और पिछले 2 वर्षों में 20 नई सेवाओं को जोड़ा है। इसके अतिरिक्त नून हॉस्पिटल प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के महत्व को समझते हुए समाज के सभी स्तरों को स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती दरों पर चिकित्सकीय सुविधा वंचित समुदाय को मुफ्त में भी सेवाएं प्रदान की जा रही, जिसके अंतर्गत कई प्रिवेंटिव निवारक स्वास्थ्य कार्यक्रम भी शुरू किए गए, जिनमें ग्रामीण आबादी के लिए स्वास्थ्य जांच टीकाकरण कार्यक्रम व ग्रामीण गाँव में बीमा शामिल है। इसी कड़ी में नून हॉस्पिटल में 200 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है। पर्यावरण के अनुकूल है, इसमें और पैनल कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का उत्पादन नहीं करते हैं। साथ ही ज़्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इस अवसर पर नून हॉस्पिटल के ट्रस्टी आमिर भाई मिठाई वाला, इस्माइल भाई मिठाई वाला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवव्रत मुखर्जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी देव्यान चक्रवर्ती, स्टाफ उपस्थित था। यह जानकारी हॉस्पिटल के जनसंपर्क अधिकारी प्रताप सिंह झाला ने दी। झालरापाटन शहर के कई इलाकों में पिछले लंबे अरसे से दूषित पेयजल आपूर्ति को लेकर आज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नगर पालिका के भारतीय जनता पार्टी पार्षद पंकज वैष्णव व अजय कुशवाहा ने नई सब्जी मंडी, सूरज पोल, दरवाजा क्षेत्र सहित कई इलाकों में पिछले लंबे समय से नल से दूषित पानी की आपूर्ति होने के जलदाय विभाग के अधिकारियों को सूचना दी थी। इसके बावजूद विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिए जाने व व्यवस्था में सुधार नहीं करने से मंगलवार को क्षेत्र के लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। इन्होंने जनप्रतिनिधियों को बुलाकर नल से हुई जलापूर्ति दिखाते हुए बताया कि मठ मेले पानी में मरे हुए जानवर जैसी भयंकर बदबू आ रही थी। लोगों ने उन्हें बताया कि इस पानी का उपयोग पीना तो दूर, नहाने के लिए भी उपयोग नहीं किया जा सकता है। डक पुलिस ने शांति भंग की धाराओं में 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीआरपीसी 107 व 151 में मामला दर्ज किया। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि गणेशपुरा निवासी करण लाल, भागीरथ, गोपाल, रोहित, प्रेमचंद व 7 लोगों का खेड़ा निवासी जगदीश ईश्वरलाल, यानी दोनों गांव के कुल 7 लोगों को शांति भंग की धाराओं में दर्ज कर पाबंदी की कार्रवाई की गई, ताकि थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रह सके। डक कस्बे में जहरीले कीड़े के काटने से बुजुर्ग की हुई मौत, पोस्टमार्टम का शव परिजनों को सौंपा गया। इस घटना को परिवार में छाया मातम। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि डक कस्बे के बुजुर्ग बाबूलाल पुत्र दयाराम उम्र 55 वर्ष जाति खटीक अपने खेत पर जा था, तभी किसी अज्ञात जहरीले कीड़े ने काट लिया और तबीयत बिगड़ गई। तभी काल लड़का चाय देने पहुंचा और अपने साथ पिता को डक अस्पताल में उपचार हेतु ले आया। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। सूचना पर डक थाने से एसआई राजन कुमार, कांस्टेबल रामेश्वर चौधरी अस्पताल पहुंचे और परिजनों का पर्चा बयान किया और मेडिकल बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। झालावाड़ जिले के बकानी पंचायत समिति के ग्राम पंचायत रेपला में चल रहे महंगाई राहत एवं प्रशासन गाँव के संघ शिविर का आज राजस्थान सरकार की खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं झालावाड़ जिला महंगाई राहत कैंप के प्रभारी पंकज मेहता ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राज्य सरकार के द्वारा शिविर में दी जा रही सभी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं ग्रामीणों ने अपनी समस्या के बारे में भी प्रभारी पंकज मेहता को अवगत करवाया। वहीं शिविर में बकानी थाना क्षेत्र में हो रही बाइक चोरी की वारदातें सहित अन्य चोरी की वारदातों को भी लेकर भी ग्रामीणों ने अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा। बताया गया है कि बकानी कस्बे में आए दिन बाइक चोरी की वारदातें सहित अन्य आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन द्वारा सावले निशान खड़े कर रहे हैं। वहीं प्रभारी पंकज मेहता के द्वारा थाना प्रभारी से बात कर जिले के आला अधिकारी से वार्ता करने की बात कही गई। बढ़ती चोरियां हैं, उसको लेकर आपको भी अवगत कराया गया है, क्या कहना सर? बक्कानी में चोरियों की घटना बढ़ना चिंताजनक है। हमने अभी थाना अधिकारी जी को निर्देशित किया है कि अविलंब कार्रवाई करे
और मैं झालावाड़ पहुंचकर उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी ये बात लाऊं। पिड़ावा नगर के गायत्री शक्तिपीठ पर स्वर्गीय मोहन देवी शर्मा पत्नी बद्रीलाल शर्मा की स्मृति में श्री सदगुरु सेवा ट्रस्ट संघ आनंदपुर के सहयोग से निशुल्क नेत्र जांच व चिकित्सा शिविर का आयोजित किया गया। शिविर में डॉक्टर चितन प्रजापति ने नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में 180 मरीजों की नेत्र जाँच की गई, जिनमें से मोतियाबिंद ऑपरेशन के योग्य पाए गए 51 मरीजों को ऑपरेशन के लिए आनंदपुर ले जाया गया। इससे पूर्व मोहन देवी शर्मा की चित्र पर पुष्प अर्पित कर गायत्री मंत्रोच्चार के साथ शिविर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में गायत्री परिवार के मुख्य ट्रस्टी बद्रीलाल शर्मा, मोहनलाल सोनी, पूर्व प्रधान रामलाल चौहान, हाजी साबिर मोहम्मद, पूर्व पालिका अध्यक्ष निर्मल शर्मा, राजन जैन, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार, कमल कासलीवाल, महेश फरीद अहमद, मान सिंह, मुकेश मासूम, जान मोहम्मद, दिनेश राठौर, भारत भूषण प्रेमी वीरेन बागवान, जगदीश टेलर, कवि अनिल उपहार, अनिल शर्मा, रामगोपाल सिंह, पुरुषोत्तम रजनी, सुनील कासलीवाल, राजकुमार, मदन मोहन, अमृतुन मामू, हेमराज भावसाज, संजय पुरी आदि मौजूद रहे। झालरापाटन में सोमवार देर रात एक विवाहिता की जहर के असर से मौत हो गई। विवाहिता के भाई और पीर पक्ष के लोगों ने विवाहिता के पति उसके दो दोस्तों पर जहर देकर मारने का आरोप लगाकर झालरापाटन थाने में मामला दर्ज करवाया। इसी बीच आज सुबह 10:30 बजे झालरापाटन पुलिस ने विवाहिता के शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। बैसोरा मंडी में जैन क्रांति सेवा मिशन इकाई मध्य प्रदेश जिला मंदसौर के द्वारा संगठन का स्थापना दिवस भव्य रूप से मनाया गया। स्वच्छंद अशोक गौर सहायक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अध्यक्षता में कार्यक्रम की रूपरेखा बनाकर भारत माता की आरती कर पक्षियों के लिए परिंडे बांधने की योजना बनाकर मुख्य अतिथि सुनील सांवलिया बिजली विभाग लाइनमैन के द्वारा भारत माता के दीप प्रज्वलित कर आरती कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसकी उपस्थिति पदाधिकारी स्वच्छंद अशोक गौर सहायक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण गौर, संभागीय उपाध्यक्ष कोटार राधे बाघेला, डग विधानसभा अध्यक्ष प्रहलाद विश्वकर्मा, जिला अध्यक्ष मंसूर गोपाल सिंह सिसोदिया आदि क्रांतिवीर उपस्थित रहे। मंदसौर शहर के पुराने नगरपालिका भवन के पीछे स्थित सब्जी मंडी क्षेत्र में गंदगी के साम्राज्य से व्यापारी रहवासी परेशान हैं। परेशान लोगों ने कहा कि कई बार शिकायतों के बाद भी गंदगी की समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा है। मंदसौर शहर के पुराने नगरपालिका भवन के पीछे स्थित सब्जी मंडी क्षेत्र में गंदगी का अंबार है। कई बार बुलाने के बाद सफाई कर्मचारी यहाँ सफाई करने नहीं आते। इसके बाद भी शिकायतें लोगों नगरपालिका की जिम्मेदारी सहित स्थानीय पार्षद से भी की गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की नारी सम्मान योजना। मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय पर जिला अध्यक्ष विपिन जैन और कांग्रेस जनों ने प्रेसवार्ता आयोजित कर दी योजना की संपूर्ण जानकारी। जानकारी अनुसार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने आज नारी सम्मान योजना की शुरुआत की। योजना की शुरुआत अवसर पर मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन जैन, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रूपल संचेती सहित कांग्रेस जनों ने प्रेसवार्ता कर आयोजित कर नारी सम्मान योजना का जानकारी दी। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान 2.0 को लेकर मंदसौर जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने प्रेसवार्ता आयोजित कर पत्रकारों को दी अभियान की जानकारी। कहा, अभियान के तहत पेंडिंग कार्यों का निपटारा किया जाएगा। जिला कलेक्टर को कार्यालय के सभागार में कलेक्टर दिलीप कुमार यादव द्वारा प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। प्रेसवार्ता में कलेक्टर ने सभी पत्रकारों को मुख्यमंत्री से जनसेवा अभियान 2.0 को लेकर जानकारी। कलेक्टर ने कहा कि अभियान के पहले फेज भी काफ़ी अच्छे कार्य हुए हैं, तो वहीं अब दूसरे फेज में भी सभी विभागों के पेंडिंग कार्यों को निपटारा किया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतने ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।
वाला नहीं कबीरा बैठा रोए। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले ज कोई। छोड़ के माता दाऊ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। आतुर दे चरा है मामला अब साहिब ने महल बनाई बन जा रहा रे बन जा रहा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जा रहा हूँ। छोड़ के मत दाओ एक नीरा बन जा रहा रे बन जा रहा रे। Mother's Lab, a play school, the future begins here. Admission open. Nursery, LKG, HKG. Benefit of our classes: small class size, loving and caring environment, individual education plan, dedicated teacher and staff. 31 March 2023 तक नवीन प्रवेश लेने पर 20% फीस में छूट। हमारे मोबाइल नंबर है 6378 22 84 22 9887 26 74 39। हमारा पता है हनुमान जी के मंदिर वृंदावन गार्डन के पास, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भवानी मंडी राजस्थान।